हमारे रफी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन बाय पे। हम देखेंगे कि बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम इसे की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे वी यूज बाय इन मेनी एक्सप्रेशंस टू से हाउ वी डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब कि हम बाय मेनी एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज बाय इन मेनी एक्सप्रेशंस टू से हाउ वी डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, कि हम बताएं कि हम कैसे कोई काम करते हैं, हाउ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन सेंड समथिंग बाय पोस्ट, यू कैन सेंड समथिंग बाय पोस्ट, यू कैन डू समथिंग बाय हैंड, यू कैन कंटेक्ट समवन बाय फोन, बाय ईमेल, बाय फैक्स, बट वी से पे कैश और पे इन कैश। यहाँ पे हम पे कैश कहते हैं या पे इन कैश कहते हैं, पे बाय कैश नहीं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पे कैश, पे इन कैश, नॉट पे बाय कैश, पे बाय कैश नहीं कहते हैं। बाकी जगहों पे हमने कहा बाय हैंड, बाय फोन, बाय ईमेल, बाय फैक्स। वी आल्सो से बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस। हम कहते हैं बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, वी मेट बाय चांस। एग्जांपल, वी मेट बाय चांस, बट वी से डू समथिंग ऑन पर्पस। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, इट वाज एन एक्सीडेंट। बाय पर्पस नहीं कहते हैं, ऑन पर्पस कहते हैं। ये एक्सेप्शन है, हर एक चीज की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। तो यहाँ पे भी हम बाय पर्पस नहीं कहते हैं, ऑन पर्पस कहते हैं। इट वाज एन, आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, इट वाज एन एक्सीडेंट। इसी तरीके से पे बाय चेक, पे बाय क्रेडिट कार्ड, ये भी हम कहते हैं पे बाय चेक, पे बाय क्रेडिट कार्ड। तो ये निकाल, आई पेड द अमाउंट बाय चेक, आई विल पे बाय चेक, और आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बी, इन द सेम वे वी यूज बाय डैश डैश, इनकी बाय और कोई ना हो, टू से हाउ समबडी ट्रेवल्स, ट्रेवल दिखाने के लिए किसी इंसान ने कैसे ट्रेवल किया। हम बाय और वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे बाय कार, कार इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय कार सीधे, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनकी डायरेक्ट वो नाउन लाना है जो नाउन हम ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो नाउन दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्ट लाना है, बाय कार, यहाँ पे डायरेक्टली बाय का, बाय ए कार नहीं तो गलत हो जाएगा। बाय प्लेन, बाय बोट, बाय शिप, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइक, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय सी, बाय अंडरग्राउंड। तो डायरेक्टली हमने वो नाउन इज लॉयल, जिससे हम सफर करते हैं, तो सफर दिखाने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल बाय और वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके जरिए हम सफर करते हैं। इसी तरीके से बट वी से ऑन फुट, लेकिन जब हम पैदल सफर करेंगे, पैदल अपने पैरों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं ऑन फुट। वी से, बट वी से ऑन फुट, हम कहते हैं ऑन फुट। डिड यू कम बाय कार और ऑन फुट, डिड यू कम बाय कार और ऑन फुट, ये ख्याल रखना है। माई कार, द ट्रेन, ए टैक्सी, इसके साथ आप देखेंगे हम नीचे हम क्या करेंगे, बाई प्लस नाउन, हम बाई और उसके साथ नाउन इस्तेमाल करेंगे। बाई कार, बट इन द कार, बाई ट्रेन, बट ऑन द ट्रेन, ये ख्याल रखना है। वी यूज इन फॉर कार्स एंड टैक्सीज, कार्स और टैक्सीज के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, इन द कार, इन द टैक्सी, तो वहां पे हम ऑन नहीं करेंगे, इन द कार, इन द टैक्सी। लेकिन अगर द इनके साथ नहीं होगा, ए इनके साथ नहीं होगा, और कोई और माई नहीं होगा, कोई प्रोनाउन या कोई आर्टिकल इनके साथ नहीं होगा, इन कार्स और टैक्सी के साथ, तो इसके साथ आएगा बाय, बाय कार, बाय टैक्सी, या ऑन, सॉरी, इन द कार, इन द टैक्सी, इन माई कार, या on in the car, in the taxi. They didn't come in the in their car, in their car, on their car नहीं, in their car, by their car भी नहीं। अगर by their car, by आता तब जब ये their हम रिमूव करते, अगर ये their हम रिमूव करेंगे तो by car आएगा, यहाँ पे their है और इसलिए अब in आएगा, in the car, in a car, in my car, in their car, car जो taxi चला, in, they came in a taxi, in a taxi, they came in a taxi. We use on
फॉर बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बाइसिकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन हम इस्तेमाल करते हैं इस हालत में, यानी कि जब उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई एडजेक्टिव होगा या कोई पॉजिटिव प्रोनाउन होगा या कोई आर्टिकल होगा एन या द होगा, तो तब जाके ऑन. सिर्फ इन किन के साथ? कार्स और टैक्सी. जैसे इस एग्जाम्पल में वी यूज इन फॉर कार्स एंड टैक्सी, लेकिन तब जब इन कार्स और टैक्सी से पहले कोई पॉजिटिव प्रोनाउन या कोई पॉजिटिव प्रोनाउन या कोई आर्टिकल होगा. वी यूज ऑन फॉर बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वी केम ऑन द 6:45 ट्रेन. यहाँ पे ऑन द है, 6:45 है, द है, तो इसके लिए ऑन आएगा. वी से सी पार्ट ऑफ वी से, इसी तरीके से ऑन द बस, ऑन द एरोप्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, इसी तरीके से बाकी चीजें. वी से दैट समथिंग इज डन बाय समबडी समथिंग. हम कहते हैं कि समथिंग इज डन बाय समबडी और बाय समथिंग, नॉट विद समथिंग, बाय समथिंग. वो विद दूसरा है, वो भी हम देखेंगे. यानी कि पैसिव में हम इस्तेमाल करते हैं बाय समबडी या बाय समथिंग, लेकिन ये बाय समबडी कौन होना चाहिए? ये डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए इसी के साथ, या ये समथिंग डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, ये एजेंट ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए. हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग? बाय अ डॉग, यानी कि एजेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, काम करने वाला यही डॉग है. हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग? द प्रोग्राम वॉज वॉच्ड बाय ऑल ऑफ अस. द प्रोग्राम वॉज वॉच्ड बाय ऑल ऑफ अस. The program was watched by all of us. By a dog, काम करने वाला है यहाँ पे, by all of us. इस तरीके से compare by and with. अब हम with और by को compare करेंगे. देखिए, the door must have been opened with a key, not by a key. क्योंकि यहाँ पे key से कोई इंसान खोलता है, key door of the action नहीं है, की को इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल करने वाला कोई और है, वो इसका जिक्र नहीं है यहाँ, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे नहीं, इसलिए बाई इसके साथ नहीं लगे. द डोर मस्ट हैव बीन ओपन बाई विद अ की, सॉरी द डोर मस्ट हैव बीन ओपन विद अ की, नॉट बाई अ की. विद अ की फिर बाई समवन. द डोर मस्ट हैव बीन ओपन बाय समबडी विद अ की. ये यहाँ पे समबडी जो है ये एजेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये एजेंट ऑफ वर्क है, डूअर है. तो डूअर के साथ कोई चीज भी हो सकता है डूअर, कोई इंसान भी हो सकता है, उनके साथ पैसिव में बाय आता है, उनसे पहले, उस डूअर ऑफ द एक्शन से पहले. यहाँ पे समबडी डूअर ऑफ द एक्शन, बाय आ गया, तो कहीं पे समथिंग हो सकता है. वी से ए प्ले बाय शेक्सपियर, ए पेंटिंग बाय पिकासो, ए नॉवल बाय टॉलस्टॉय. हैव यू रेड एनीथिंग बाय हेमिंगवे? हेमिंगवे भी एक राइटर है. क्या आपने हेमिंगवे के जरिए से लिखा गया कोई चीज पढ़ा है? बाय ऑल्सो मीन्स बिसाइड. बाय का मतलब बिसाइड भी हो सकता है. कम एंड सिट बाय मी, यहाँ पे बाय मतलब है बिसाइड मी, मेरे साइड में. वेयर इज द लाइट स्विच? बाय द डोर. कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, वेयर इज द लाइट स्विच? आंसर मिलता है बाय द डोर. बाय द डोर मीन्स बिसाइड द डोर, नेक्स्ट टू द डोर. जॉन्स सैलरी हैज गॉन अप फ्रॉम ₹2,000 to ₹2,200, so it has been increased by ₹200 or by 10%. By increase by, ये मैं क्या लिख रहा है, ये और एक पॉइंट है यहाँ पे. by का मतलब विसाइड नहीं, ये और एक पॉइंट है. by increase by ₹200 or increase by 10%, तो इसके साथ ही by आता है. जब कोई चीज बढ़ा लिया जाएगा किसी चीज से या किसी परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा, तो उसके साथ बाय आता है. इंक्रीज्ड बाय ₹200 और इंक्रीज्ड बाय 10%. तो आज के वीडियो में हम यही बाय पे ही बात करेंगे. बाय हमने खत्म किया, कल कोई दूसरी प्रपोजिशन लाएंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.